पीएसएल के फैंस के साथ एक बार फिर धोखा हो गया। जिमी ओवरटन, तबरेज शमसी और रीस टोपले के बाद दो बड़े इंटरनेशनल स्टार्स पीएसएल से बाहर हो गए। क्वेटा ग्लेडिएटर्स और कराची किंग्स के फैंस के लिए बुरी खबर। कौन कौन से प्लेयर्स की अदम दस्तियाबी के हवाले से अपडेट आई है, मुकम्मल तफसील बताएंगे आपको इस वीडियो में। मगर इससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पाकिस्तान सुपर लीग 2024 का आगाज 17 फरवरी से होने जा रहा है, जो कि 18 मार्च तक जारी रहेगी। इस सिलसिले में तमाम टीमों के गैर मुल्की प्लेयर्स की आमद शुरू हो चुकी है, मगर वहीं कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो हसब मामूल इस बार भी अपनी फ्रेंचाइज के लिए परेशानी का बायस बन गए। श्रीलंका के वनिंदु हसारंगा, जिन्हें पिछले सीजन में भी क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने साइन किया था, मगर वो ऐन वक्त पर पाकिस्तान नहीं आए। एक बार फिर वो PSL 9 में क्वेटा ग्लेडिएटर्स की टीम का हिस्सा हैं, मगर इस बार भी उनकी शिरकत खतरे में पड़ गई। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने वनिंदु हसारंगा को PSL के लिए NOC जारी नहीं किया है, जिसके बाद उन्होंने बोर्ड से दरख्वास्त की कि उन्हें PSL के सिर्फ 3 मैचेस खेलने की इजाज़त दी जाए, मगर ताहाल श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से कोई रद्द अमल नहीं आया, जिससे वनिंदु हसारंगा की PSL में शिरकत मशकूक हो गई है। दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज़ के कैरन पोलार्ड, जो कि कराची किंग्स का हिस्सा हैं, उनकी शिरकत भी मशकूक हो गई। कैरन पोलार्ड लीग स्टेज के 10 मैचेस के लिए कराची किंग्स को दस्तियाब नहीं होंगे। ताहम अगर कराची की टीम प्ले ऑफ मरहले तक रसाई हासिल करती है तो कैरन पोलार्ड 2 से 3 मैचेस के लिए कराची किंग्स को ज्वाइन कर लेंगे।